वो मेरे बच्चे का बाप है। मैं उसकी बदतमीजी को भूल सकती हूँ, लेकिन उसे ये बात माननी ही होगी। यही तो प्रॉब्लम है दीदाम, ये बात सच्ची है भी या नहीं? मैंने जो टेस्ट करवाए थे वो पॉजिटिव आए हैं, देखना चाहते हो? नहीं, लेकिन कंफर्म करने के लिए तुम्हें अपना ब्लड टेस्ट भी करवाना चाहिए। हाँ, करवा लूंगी, उसमें क्या है? ऐसे नहीं देते हैं, ब्लड टेस्ट करवाने के लिए मैं साथ आऊंगा। तुम्हें क्यों साथ आना है, तुम भी प्रेग्नेंट हो क्या? क्या जरूरत है इसकी? माफ करना, लेकिन तुम्हारा अब तक का रिकॉर्ड बहुत ही खराब है दीदी। मेरा भाई या मैं, हम में से कोई भी तुम्हारा यकीन नहीं करने वाले हैं, तो जो मैं कहूंगा वही तुम्हें करना होगा। तुमने और तुम्हारे भाई ने आज मेरे गुरूर को ललकारा है। ठीक है, माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है, अपना ईगो भी छोड़ सकती हूँ। एक माँ छोड़ दो, रुक, तुम क्या समझोगे? बात कर सकते हैं? ये कुछ ज्यादा ही रूड हो जाएगा। तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? कल तक तो सब ठीक था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, हम खुश थे, तो फिर अब क्या हो गया? अगर वाकई में दिदेम और तुम्हारे बीच कुछ हुआ नहीं है तो इसकी सजा मुझे क्यों मिल रही है? ये क्या हो गया है मुझे? ऐसे लिख रही हूँ जैसे रिलेशनशिप में हो। क्या कर रहे हो? ये तो बहुत ही बकवास लाइन है। मैं सो नहीं पा रही हूँ मुराद, मुझे याद नहीं है कल रात क्या हुआ था। अगर हमारे बीच में कुछ हुआ भी था तो मुझे इस बारे में कुछ भी याद नहीं है। मैं इसके बारे में सोच सोच कर पागल हो गई हूँ, प्लीज मुझे कुछ बताओ। अब क्या तुम भीख भी मांगने लगोगी? इसमें मेरी गलती क्या है? हो भी सकती है, या सिर्फ क्वेश्चन मार्क ही भेज कर देखता हूं। प्लीज मुझे बताओगे हमारे बीच कुछ हुआ था या नहीं? या नहीं हुआ था तो भी मुझे क्यों याद नहीं है कि कुछ हुआ था या नहीं? अगर तुम कुछ जानते हो तो प्लीज मुझे बताओ। अगर मुझे ही समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या लिख रही हूँ तो उसे क्या समझ आएगा? बहुत सारी इमोजीज डाल देती हूँ या फिर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क डाल देती हूँ तो उसे समझ आ जाएगा। मुझे बात करनी है। वो जाग रहा है, उसने मेरा मैसेज पढ़ लिया। वो जाग रहा है, उसने मेरा मैसेज पढ़ लिया। वो टाइप कर रहा है, वो टाइप कर रहा है। ओह माय गॉड, कहीं भी और कभी भी।
हेलो आई एम सॉरी इतनी रात को बुलाया मैंने आपको ऐसे। कोई बात नहीं, अब तबीयत ठीक है? हाँ थोड़ी बहुत। ओह अच्छी बात है। मैं इस तरह नहीं रह पाऊंगी मुराद साहब। मतलब? मैं नहीं जी सकती। क्यों? मैं सोचना बंद नहीं कर पा रही हूँ और ना ही मैं सो पा रही हूँ। क्या सोचना बंद नहीं कर पा रही हो? मुझे जानना ही पड़ेगा, मुझे पूछना है आपसे। प्लीज बताओगी कि तुम क्या जानना चाहती हो? कल रात हमारे बीच कुछ हुआ था क्या? मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो तुम ये जानना चाहती हो कि मैंने तुम्हारे नशे में होने का फायदा उठाया या नहीं? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। तुमने सिर्फ इसीलिए मुझे यहां पर बुलाया? हाँ। तुम्हें सच में कुछ याद नहीं? नहीं। ठीक है, एक तरह से अच्छी बात है। इसका क्या मतलब हुआ? अगर तुम्हें इस बात की फिक्र है कि हम साथ सोए थे या नहीं, तो हम नहीं सोए थे। तुम चैन से सो सकती हो। मुराद सुनो। और हाँ, तुम्हारी क्यूरियोसिटी के लिए बता दूं, तुम शर्त जीती थी, तुम गेम जीती थी हयात। फोन बज रहा है। खैर मैं तुम्हें ख्वाब में भी आकर मार डालूंगी। मैं भी क्या कह रही हूं, ये कोई और नंबर है। हयात कहां पर है? हेलो। हाँ मैं उसकी दोस्त हूं। कहां पर और कैसे? कैसे, किस हॉस्पिटल में? हाँ हाँ अभी पहुंचते। क्या हुआ, किसका फोन था? हयात का एक्सीडेंट हो गया, वो हॉस्पिटल में है। लेकिन कैसे, वो घर के बाहर कब गई थी? कार की चाबियां कहाँ हैं? मैंने यही रखी थी। शांति से देखो, जहाँ रखी थी वही होगी। ड्रॉवर के अंदर चेक करो। यहाँ पर नहीं है। यह हो सकता है हयात कार लेकर चली गई हो। अरे हयात नहीं जा रही, तुमने क्या कर दिया? चलो चलते है। Thank you.